ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज देश में जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें एक जो हमें संवैधानिक अधिकार है अपनी बात बिना डर के बिना किसी दबाव के रखने का, उसको जो है मोदी जी के राज में जो है उसके ऊपर अंकुश लगाया जा रहा है। मैंने भी राहुल गांधी जी का बयान जो है ये जो संसद में दिया है उसको सुना है। उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं की है जिससे कि बीजेपी वाले जो है परेशान होना चाहिए। उन्होंने वही बातें की है जो पब्लिक डोमेन में है। अब मोदी जी जितने बार विदेश में गए, लगातार विदेश में गए, हमेशा अदानी आगे या पीछे साथ रहे। उनके जाने के बाद कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलता रहा, वो हमेशा अदानी को मिलता रहा। तो ये बात कहना कोई गलत है, इसके ऊपर क्या विशेष अधिकार आनंद लाएंगे? इसका मतलब ये हो गया कि आपकी आवाज को दबाने के लिए संसद एक ऐसा जगह है जहां पर एक चुना हुआ जो सांसद होता है बिना किसी डर से, क्योंकि जो बात वो वहां पर कहेंगे कोई भी संसद चाहे पक्ष का विपक्ष का उसके खिलाफ किसी भी किस्म का कोई भी कार्रवाई किसी भी देश की अदालत में नहीं हो सकता। ये इसलिए रखा गया है संविधान निर्माताओं ने ताकि हम बिना दबाव के वहां अपनी बात रख सके। अब मोदी जी के सरकार में हो रहा है कि वहां पर बात भी वो तय करेंगे हमने क्या बोलना है। वो चाह रहे हैं कि अपनी मर्जी से वहां हम नहीं बोल पाएंगे, उनकी मर्जी से हम बात करेंगे। तो फिर ये संविधान कहाँ रह गया, फिर ये लोकतंत्र कहाँ रह गया? तो ये मुख्यमंत्री जी, वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी जो बात कर रहे हैं वो मोदी जी को ज्यादा खुश करने की बात कर रहे हैं, संविधान की बात नहीं कर रहे। कल आप देखेंगे कि यही पूर्व मुख्यमंत्री जी जब विधानसभा में खड़े होंगे संविधान की दुआएं देंगे, नियमों की दुआएं देंगे, पर जब खुद सत्ता में होते हैं सबसे पहले संविधान का हनन करते हैं, सबसे पहले जो है नियमों को जो है ताक पे रखते हैं। और आज ये जो है पूरे जितना भी अब जो है इनके पास तंत्र है ये कोशिश कर रहे राहुल गांधी जी के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी वहां पर इनके क्या कहते हैं रहनो कर्म पे रहेंगे कि अपने इनके ये लिख के देंगे, मोदी जी लिख के देंगे या अमित शाह जी लिख के देंगे कि ये स्टेटमेंट आपने बोलना है? हम तो वही बोलेंगे जो देश के हित में है, और राहुल गांधी जी जो बात कर रहे हैं वो देश के हित में कर रहे हैं। कौन सी बात उन्होंने गलत कह दी? आज अदानी जो है, अदानी के कारण हमारा LIC डूब रहा है, आज SBI डूब रहा है। एक शब्द जो है आज प्रधानमंत्री जी अदानी के खिलाफ नहीं बोल पा रहे। क्यों नहीं बोल पा रहे? ये प्रश्न कोई नहीं पूछ रहा है कि आज अदानी को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है। आज हमारा LIC डूब रहा है उसका प्रश्न कोई नहीं कर रहा है। SBI का पैसा, PNB का पैसा, कंसोर्टियम का पैसा, बैंकों का, वो पूरा का पूरा जो है डूब रहा है उसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं करता है। तो सरकार की मंशा, हाँ, एक्साइज डिपार्टमेंट के कुछ जो इनको लगा है कि कुछ इसमें जो है अदानी ग्रुप को लेकर जो कुछ टैक्स के बारे में उनको जो कोई शंका है उसको लेकर ये छानबीन कर रहे हैं। क्या सर, ये लॉजिकल एंड कौन सी चीजें? नहीं तो जब इसको उठाया है मुद्दे को तो लॉजिकल कंक्लूजन एंड पे तो पहुंचना ही पड़ेगा उसमें। लेकिन सर ऑलमोस्ट 2 मंथ्स ये सीमेंट वाला विवाद नहीं, तो इसमें माने अब जो स्टेक होल्डर है वो भी नाराज है कि सरकार नहीं, इसमें सरकार की तरफ से माने मुख्यमंत्री की तरफ से और हमारे उद्योग मंत्री की तरफ से अनेकों बार बैठक जो है दोनों जो चाहे हमारा अदानी वाला है जो सीमेंट के फैक्ट्रियों के मालिक हैं और जो हमारे ट्रक ऑपरेटर्स हैं इनके साथ कई दौर की बातें हुई है। और उसके बाद जो है अब स्टेज आ गया है जहां मतलब कंक्रीट फैसला लेने का। अब जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री वापस आते हैं अपने टूर से तो लगता है मुझे कि हम जो है कोई ठोस जो है इसके ऊपर फैसला ले पाएंगे। सर, जो लेटेस्ट रेट्स हैं, क्या ये कोई प्रेशर टैक्टिक्स तो नहीं है गवर्नमेंट की? नहीं, ये टैक्टिक्स तो नहीं है, ये जो है कोई सामान्य प्रक्रिया है। ये जो बयान जिसकी बात आप कर रहे हैं वो लगता है कि उसको काफी ट्विस्ट करके पेश किया जा रहा है। मैंने आपके माध्यम से ही ये बात कही कि किस की किसानों को जो है अपने फसल का जो है बागवानों को जो फसल है फ्रूट्स का है उसको जो उचित मूल्य किस तरह से दिया जाएगा। तो हमारे 10 गारंटियों में ये भी शामिल है कि किसान अपनी जो है जो फसल है उसका मूल्य खुद तय करेंगे। तो मेरा कहना जो था कि किस तरह से हम इस गारंटी को आगे करेंगे तो उचित मूल्य मैं का उसको दिलाने के लिए हम जो है प्रयास करेंगे। तो उसको जो है विपक्ष जो है अन्यथा लिया गया है और कुछ आपके माध्यम से भी कुछ उसको कईयों ने जो है उसको अलग तरीके से उसको पेश किया है।
परंतु जो मेरा कहने का मकसद था, मैंने कहीं नहीं कहा कि 10 गारंटियों में से मैं गारंटी को निकाल रहा हूं। हमने बार बार ये कहा कि 10 गारंटियां चरणबद्ध तरीके से, उस दिन भी मैंने यही कहा कि चरणबद्ध तरीके से गारंटियां जो है हमारी सरकार जो है उसको आगे करने जा रही है, जैसे ओपीएस का कर लिया है, उसके बाद जो है महिलाओं को 1500 का है, या जो हमारे फसल की बात है, तो ये उचित मूल्य जो है उसी का भाग है। तो हम कहीं मुकर नहीं रहे, हम कहीं जो है गारंटियों से नहीं भाग रहे। ये तो विपक्ष के पास जो है मुद्दा मिला नहीं, तो वो सोच रहे हैं कि अभी से जो है ये जो हम जो एक होमवर्क कर रहे हैं, किस तरह से आने वाले सीजन में किस तरह से चाहे सेब है, चाहे नीचे के इलाकों के आम है, या जो अब नीचे के इलाकों में अमरूद का भी फसल तैयार हो रहा है, कैसे उसको उचित मूल्य हम दिलाएं, कैसे उनको फायदा पहुंचाए, उसकी बात हम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किस तरह से अभी जो है किलो के हिसाब से हमारे जो फल है वो बिके। हम बात कर रहे हैं किस तरह से पेटियां जो है यूनिवर्सल कार्टन के माध्यम से हम बाजार में पहुंचाए, किस तरह से एपीएमसी का जो एक्ट है उसके प्रावधानों को किस तरह से जो है बागवानों के हित में उसको लागू करें, उसकी बात हम कर रहे हैं। और हमने तो अभी होमवर्क करना शुरू किया है। मैंने पहले भी कहा है कि मैं बागवानों से, स्टेक होल्डर्स से मीटिंगें रख रहा हूं, उनसे राय लेने के बाद फिर हम अपना जो है फाइनल जो भी एक उसमें से सॉल्यूशन निकल के आएगा उसके माध्यम से हम किसानों को, बागवानों को मैक्सिमम जो है बेनिफिट दिलाने की कोशिश करेंगे। नहीं सब होगा कि उसको एक बेंचमार्क बना के उससे आगे किसानों बागवानों को जो है प्रोड्यूस का कुछ जो मेहनताना वो मिलता है। नहीं, आपका ये प्रश्न बिल्कुल सही है कि हम जो है इस पे मैंने अभी जैसे कहा कि हम डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स है जिसमें बागवान भी है, दूसरे प्लेयर्स भी हैं जो खरीदते हैं, खरीदार भी हैं, सबसे मिलकर बैठकर जो है एक विचार जान रहे हैं और कैसा मैकेनिज्म डेवलप होगा उसकी होमवर्क हमने शुरू की है। अब हम होमवर्क करने जा रहे हैं, उसमें भी जो है विपक्ष को बड़ी चिंता है, तो एक बार आने तो दो क्या आता है, उसके बाद ये कह सकते हैं कि भाई ये जो हम एक किस्म की कहेंगे कि जो भी पॉलिसी लाएंगे कि सही है गलत है उसका फिर मूल्यांकन बाद में किया जा सकता है। अभी तो स्टेज पर है कि हम इसको फ्रेम कर रहे हैं, पॉलिसी या मैकेनिज्म को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। हम हर जो है वर्ग जो इसमें शामिल है, बागवान है या जो खरीदार है या दूसरे प्लेयर्स हैं, उन सबसे जो विचार विमर्श चला हुआ है। बिल्कुल, इसमें बहुत सारी बातें हैं। हम जो है सेब सीजन से बहुत पहले जो है जो भी मैकेनिज्म हम लाना चाह रहे हैं उसको जो है पूरा लागू करने की कोशिश करेंगे ताकि उसका बेनिफिट जो है बागवानों को पहुंचे, कि ये ना हो कि भाई सीजन आ गया और हम अभी भी उस पर विचार करते पाए जाए। तो इसलिए हम जो है काफी एडवांस में इस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, इस आयु की बात कही थी बागवानी और कृषि आयु, इसमें किस लेवल पे आप जो सरकार की अभी तक इसमें जो बागवानी आयोग की बात की गई है, किसानों की बात की गई है, ये जो है एक परिषद के रूप में है जहाँ पर एक किस्म से एक राय मशवरा ही होना है। तो उसका तो हमने अभी जमीनी जो है पहले लेवल पे हम अपने चले हैं, तो जो स्टेट लेवल का जो आयोग बनना है वो भी जल्द बनाएंगे, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले फीडबैक तो हमने जो है निचले लेवल से ले रहे हैं। हम तो निचले लेवल के जो है हमारे बागवान है, दूसरे प्लेयर्स है, सबसे बातचीत चली हुई हम शुरू कर रहे हैं। एक बैठक हमने की भी है जिसमें हमने माननीय कुछ विधायक जो उस समय उपलब्ध थे शिमला के अंदर उनको भी बुलाया है, चाहे वो पक्ष के थे या विपक्ष के थे। तो हम राय बना रहे हैं और सबकी राय लेकर जो सबसे बेहतर होगा, सबसे उचित होगा, किसानों के हक में होगा, उसको हम लागू करेंगे। सर, एक बात, मैदानी अपने रेट खोलता है सेब के लेकर, जो रिक्रूटमेंट को लेकर रेट होता है, वो आप प्रीवियस ईयर के मुकाबले जो करंट ईयर होता है उसमें कम से कम 10-20-30 रुपए कम होता है, तो कोई आप इसको कुछ नोटिस करेंगे इस पर जो सीजन आएगा? हम अब जो अभी मैं कह रहा हूँ ना, हम होमवर्क कर रहे हैं। अब मैं कुछ बोल दूंगा तो फिर आप इसको पता नहीं कैसे पेश करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अदानी का जो जितने भी सीए स्टोर्स है जहाँ पर ये प्रक्रूटमेंट हो रहा है, हम उसको चेकिंग करेंगे कि वहाँ पर जो कलर ग्रेडिंग का उसने जो मीटर रखा हुआ है क्या वो सही है या गलत है, या तोल के ले रहा है या नहीं ले रहा है, और वहाँ पर गोबर को अंदर जाने नहीं दे रहा है। ये चीज़ें हमारे ध्यान में है। अब मैं इसमें अगर बोलूंगा फिर पता नहीं ये कल अदानी के दोस्त क्या बोल देंगे, फिर वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो मुझे बहुत चीजें जो है डिस्क्लोज नहीं करना पड़ेगा, पहले मुझे काम करके फिर आपको दिखाना पड़ेगा कि मैंने ये किया।